हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में अपना प्रोग्राम देखेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। मींस हमें कुछ नेचुरल, हमसे कहा गया लेट से फाइंड द सम ऑफ फाइव नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हम उन 10 नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालेंगे? पहली बात ये कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। नेचुरल नंबर हमारे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जब वो हमारे वन से स्टार्ट होते हैं, मीन्स उसमें ज़ीरो नहीं आता। वन से लेके हमारे इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं सब हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब हमें नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे? लेट से हमसे कहा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स निकालिए, मीन्स हमें क्या करना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना होगा और जो आउटपुट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब ये चीज़ होगी कैसे, हम क्या करेंगे इसमें, हम एक यूज़र से इनपुट लेंगे जिसमें हम उससे ये पूछेंगे कि आप कितने नेचुरल नंबर्स का सम चाहते हैं। मीन्स अगर उसने 5 लिखा, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकलना है। अगर उसने 10 लिखा तो इसका मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकलना है। इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 हमें ये करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यूज़र से इनपुट कराएंगे, अगेन हम क्या करेंगे, अपने उस ओरिजिनल नंबर को जो हमने यूज़र से इनपुट कराया है, सबसे पहले तो हम उसे किसी दूसरे वेरिएबल में, लेट से अगेन हम टेम्प ले लेते हैं, एक वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल, हमने उसे टेम्प में स्टोर कराया है जिससे ओरिजिनल नंबर जो हमारा 10 होगा वो चेंज ना हो, वो मैनिपुलेट ना हो। वो करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अगेन एक लोकल वेरिएबल, टेम्प्रेरी वेरिएबल लेंगे सम नाम का, जिसको हम इनिशियलाइज़ कराएंगे ज़ीरो से। ज़ीरो से क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है। फिर हम क्या करेंगे, उस सम में सम प्लस टेम्प करते जाएंगे, एक लूप लगाएंगे कि भाई जब तक उस टेम्प की वैल्यू ज़ीरो ना हो, जब तक टेम्प की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी रहे तब तक क्या हो, सम इक्वल टू सम प्लस 10 हो। मीन्स अगर यूज़र ने 10 इनपुट कराया है तो मैं क्या चाहती हूँ, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 मैं ये कराना चाहती हूँ। जैसे ही मैं पहली बारी में सम इक्वल टू सम प्लस 10 करूँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, बेसिकली लेट से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, मैंने यूज़र ने इनपुट करा 10 और मैं कह रही हूँ सम इक्वल टू सम प्लस टेम्प करें और सम में वैल्यू आया है 0, तो पहली बारी में क्या हो जाएगा, 0 + 10 आउटपुट क्या मिल गया मेरे को, 10 मिल गया। अब मैं चाहती हूँ 10 + 9 हो, तो 10 + 9 कैसे आएगा, 9 कैसे आएगा, 9 ऐसे आएगा कि जो हमने टेम्प में वैल्यू 10 ले रखी थी, हम पहली बार एडिशन कराने के बाद उस टेम्प को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे टेम्प -1 से, जिससे हम अब हमें टेम्प की वैल्यू क्या मिल जाए, टेम्प की वैल्यू 10 से 9 हो जाए। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर से सम इक्वल टू सम प्लस टेम्प करेंगे, इस बार सम में वैल्यू क्या है, 10 है ऑलरेडी हमारे पास, हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 10 है। 10 में हम क्या लगाएंगे, 10 + 9 = 19 हो गया। अब फिर से हम टेम्प की वैल्यू कम कर देंगे, इस बार टेम्प की वैल्यू कम कर देंगे, फिर से सम इक्वल टू सम प्लस टेम्प करेंगे तो इस बार ये बन जाएगा 10 + 9 + 8। तो इस तरीके से करके बेसिकली लूप कब तक चलेगा, जब तक टेम्प की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल ना हो जाए, या यूँ कहो कि जब तक ये 0 से बड़ी रहे वैल्यू, मतलब 1 तक चलता रहेगा ये लूप। क्या होता रहेगा, सम इक्वल टू सम प्लस टेम्प होता रहेगा और हम टेम्प की वैल्यू को रिड्यूस करते रहेंगे। अब हम यहाँ पे अपना इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, यूज़र से एक नंबर इनपुट कराया कि हम जितने नेचुरल नंबर्स का सम चाहते हैं। मैंने लिखा नम इक्वल टू इंट, भाई इसमें फ्लोट लेने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई हम पर्टिकुलर नंबर्स मांग रहे हैं ना कि भाई आपको 10 नंबर्स चाहिए, 5 चाहिए या 4 चाहिए। इंट हमने लिखा इनपुट, एंटर एनी नंबर। हम बेसिकली यूज़र से इनपुट क्या ले रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं कि वो कितने फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम निकालना चाहता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस नम को हमने टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया। इसके बाद हम एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे और उसमें हम 0 इनिशियलाइज़ कराएंगे। अब हम यहाँ पर वाइल लूप लगाएंगे, वाइल टेम्प ग्रेटर दैन 0 और इसकी वाइल टेम्प ग्रेटर दैन 0 और इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम अपना रन करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, इससे क्या होगा मीन्स हमारे ज़ीरो में फिर 10 ऐड होगा, फिर 10 में 9 ऐड होगा, 8 ऐड होगा, इससे वो होगा। और हमें क्या करना होगा, हमें 10 के बाद 9, 8, 7 ऐसे करके हमें 1 तक नंबर्स चाहिए, तो हम टैम्प को क्या लिखेंगे, टैम्प इक्वल टू टैम्प माइनस 1। ये भी हमारा लूप में रहेगा, तभी तो वो बार बार कम होती जाएगी कि वैल्यू उसके 10 से 9 होगी, 9, 8 होगी, और बार बार वो लूप में चेक करेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम लूप से बाहर आके प्रिंट करेंगे, प्रिंट हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। एफ स्ट्रिंग यूज़ करने के बाद हम उसमें लिखेंगे सम ऑफ नम नेचुरल नंबर्स नंबर्स इज इक्वल टू सम। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम इस चीज़ को एक बार फिर से समझें कि ये कैसे वर्क कर रहा है हमारा, हमने क्या करा, लेट से हमने यहाँ पर 10 इनपुट या कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं कुछ, लेट से हमने 5 इनपुट कराया है, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आ रहा है 5 + 4 + 3 + 2 + 1। हमने 5 को टैम्प में स्टोर कराया और सम में वैल्यू ली 5, सम में हमने वैल्यू ली 0। अब वो व्हाइल कंडीशन को चेक करेगा, क्या टैम्प की वैल्यू 0 से बड़ी है, 5 हमारा 0 से बड़ा है, येस ये हमारा ट्रू हो गया, तो ये लूप के अंदर इस स्टेटमेंट पे आएगा। हमने करा सम इक्वल टू सम प्लस टैम्प, सम में वैल्यू क्या थी 0, तो 0 + 5 हमें आउटपुट क्या मिल गया 5, और टैम्प की वैल्यू को हमने टैम्प माइनस 1 करा, इसका मतलब टैम्प की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, 4 हो गई, ये फिर से हमारे कंडीशन पे जाएगा, ये चेक करेगा, जैसे ही हमारी 4 हो गई ये क्या देखेगा, 4 देखते ही कि 4 भी हमारा क्या है, 4 हमारा ग्रेटर देन है 0, कंडीशन ट्रू हुई वो इस पे है। इस बार सम की वैल्यू क्या हो चुकी थी हमारी 5, तो 5 में टैम्प को ऐड करेगा तो 5 + 4, और टैम्प को इस बार क्या बना देगा वो 3, और सम की वैल्यू हमारी क्या बन गई 9। अब टैम्प की वैल्यू 3 बन गई, वो अगेन कंडीशन चेक करेगा कि क्या हमारी 3 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, अगेन ट्रू हो गया, फिर लूप में एंटर करेगा। सम की वैल्यू इस बार क्या हो गई थी 9, 9 + 3, और टैम की वैल्यू 3 से वो क्या बना देगा 2, सम की वैल्यू हमारी क्या बन गई 12। अब इस बार टैम की वैल्यू हमारी बन गई 2, तो इस बार वो चेक करेगा 2 > 0, येस अगेन ही कंडीशन ट्रू हो गई, फिर वो सम में आएगा, सम की वैल्यू क्या बन चुकी थी हमारी 5 + 4 + 3 12 बन चुकी थी, तो 12 + 2 कर देगा जो हमें आंसर देगा 14, और टैम की वैल्यू इस बार वो 1 बना देगा। अब फिर वो कंडीशन चेक करेगा 1 > 0 है, जैसे ही हमने देखा 1 > 0 येस अगेन ये कंडीशन ट्रू है, फिर वो सम पे आएगा, सम की वैल्यू क्या बन चुकी थी 14, 14 + 1 हमारा क्या आ गया 15, इस बार टैम की वैल्यू क्या बन गई 0। अब जब 0 हमारा जाएगा, 0 > 0 फॉल्स, क्योंकि 0 = 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इस बार क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आएगा तो उसे प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगी, और वो यहाँ पे सम की वैल्यू हमारी प्रिंट करा देगा जो कि कितनी है 15। तो इस तरीके से करके हमारा ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है, हम इसे रन करके देखेंगे। ये हमसे कहेगा एंटर एनी नंबर, मैंने 5 करा, तो इसने हमसे कह दिया सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 15। हम इसने वही करा, 5 लिया, 4 लिया, 3 लिया, 2 लिया, 1 लिया, उन सबको ऐड करा, तो हमें यहाँ पे 15 मिल गया। हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट भी लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, या फिर नॉर्मली अगर हमसे कहा गया है कि सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स निकालो, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मीन्स हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम कौन से नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं। अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं करा कि भाई फर्स्ट नंबर तुम ये एज्यूम करो, ये लास्ट नंबर तुम ये एज्यूम करो कि लास्ट नेचुरल नंबर 5th ये है, तो हम नॉर्मली यही करते हैं कि हम 1, 2, 3, 4, 5 ही लेके चलेंगे। तो इस तरीके से करके हम अपने नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 10 बोला, तो वो क्या करेगा, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो इसने हमें आंसर दे दिया 55। तो इस तरीके से करके हम अपने नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।